समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिनती जिस तरीके से देश के उन तमाम बड़े नेताओं में होती है जो सुलझी हुई और साफ सुथरी राजनीति के लिए जाने जाते हैं, मगर शायद ही आपको ये पता होगा कि अखिलेश के कदमों पर अब अर्जुन भी चलने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, जाहिर है कि अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन अभी काफी छोटे हैं, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने में पीछे नहीं रहते हैं। ये तो आप समझ ही चुके हैं कि हम अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव के तीन बच्चे हैं, टीना, अदिति और अर्जुन। अर्जुन अखिलेश के सुपुत्र हैं और अब अर्जुन भी ठीक अपने पिता की तरह उसी हाव भाव में उन्हीं पदचिन्हों पर चलते हुए सोशल मीडिया पर बखूबी एक्टिव नजर आते हैं। अर्जुन महज 16 साल के हैं और अगर आप अर्जुन का ट्विटर हैंडल देखें तो उससे साफ दिखाई देता है कि अर्जुन अपने बाबा यानी कि मुलायम सिंह यादव और अपने पिता अखिलेश यादव से राजनेता के वो गुण प्राप्त करने की कोशिश भी कर रहे हैं। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीकंधा बन जाता हूं। अगर अर्जुन के ट्विटर हैंडल पर आप देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि हर वो बड़ी खबर जो जनता से जुड़ी है और जमीन से जुड़ी है उस पर अर्जुन अपनी प्रतिक्रिया बराबर दे रहे हैं, अपने पिता के ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे हैं, राजनीतिक ट्वीट पर अपना पक्ष रख रहे हैं और कभी कभी तो सरकार पर सीधे सीधे तंज भी कर रहे हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव के बाद जिस तरह से अखिलेश यादव ने राजनीति में दिलचस्पी दिखाई उसमें उनके बेटे भी शायद पीछे नहीं रहने वाले हैं। लेकिन राजनीति की डगर इतनी आसान नहीं है। हर नेता को खुद को पूरी तरह से जनता के सामने साबित करना होता है। उसके बाद जब जनता आपको हरी झंडी देती है तब आप एक अच्छे नेता बनते हैं। लेकिन अभी ये जरूर कहा जा सकता है कि अर्जुन का इस तरह से अपने पिता की राजनीति में दिलचस्पी लेना वाकई दिलचस्प जरूर है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।